हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीएस गियर्स। और अभी मेरे सामने जो गाड़ी है ये है सेलेरियो। देखिए कितने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है कैपिटल में, और इसका ये ग्राफिक्स कुछ नया आया है इसमें। मारुति सुजुकी का लोगो, फॉग लाइट नहीं है इस वाले वेरिएंट में। देख लीजिए व्हील कैप है, और ये मारुति ने पता नहीं क्या किया हुआ है सारे गाड़ियों के, जो ये साइड इंडिकेटर जो है मिरर पे देने लगी है। ये अच्छी बात है, अच्छा इन लोगों का एक गेस्चर है, पहले जो इनका आता नहीं था। इसके अंदर चलते हैं तो हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे कोई पावर विंडो का कंट्रोल है नहीं, हो सकता है अंदर हो। ये फ्यूल लीड ओपनर इसका जो हमेशा एज यूजुअल नीचे ही देते हैं मारुति वाले। तो हम आ चुके हैं सेलेरियो के अंदर, और इसका अंदर का कुछ माहौल ऐसा है। तो इसके पावर विंडो जो है यहाँ पे है, रेयर वाले जो है वो मैनुअली एडजस्ट करने होंगे। तो एसी वेंट्स देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं फील आ रहा है स्पोर्ट्स कार के जैसा। वो लाइट कट गया था। और यहाँ देख लीजिए बाकी सब जो ये लॉक अनलॉक, ये हजार्ड का, ये पावर विंडो का जो है लॉक अनलॉक। और ये इसका म्यूजिक सिस्टम है छोटा सा, अच्छा ये इवेंट्स देख लें। और इसका मीटर कंसोल भी वो नए वाले वैगनर जैसा ऑटोमेटिक जो आता है उसी तरह लग रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का ऑन ऑफ है, मैं पता करके बता दूंगा। ये मिरर, ये देख लीजिए इसका मिरर लेफ्ट और राइट सेट करने का कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा चीज़ है। और इन्होंने स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स भी दे दिए हुए हैं, एकदम प्रीमियम टच देने का कोशिश जो है मारुति लगातार किए जा रही है। इसका ये हैंड ब्रेक भाई नॉर्मल वाला, और इसका ये गियर नॉब आप लोग देख लें, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, 5 गियर बॉक्स। यहाँ पे आप फ़ोन चार्जिंग के लिए ये 12 वाट 120 वाट का लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस, बोतल होल्डर, कप होल्डर जो बोलिए आप, यहाँ पे फ़ोन वोन रख सकते हैं। तो ये इसका कुछ ऐसा माहौल है। ये इसके पीछे चलते हैं, ये लग नहीं रहा है ये कोई इस वेरिएंट जैसा, या मिड रेंज वाला एकदम ये टॉप जैसा लग रहा है। देख लीजिए अंदर ये पावर विंडो वाला जो हाई सपोर्ट इसका, वैगनर जितना ही है नई वाली, ठीक ठाक है। फैमिली कार है तो वैसे भी छोटी सी फैमिली और पीछे आते हैं। इसमें भी वाइपर है, वॉशर है, बाकी सब ये मारुति ने अपना जो लिखा हुआ है ये सेलेरियो की बैजिंग। देख लीजिए पीछे से ये जो छोटे छोटे ये दो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप पार्किंग कैमरा लगवा सकते हैं, इसमें लगा नहीं है। और पार्सल ट्रे भी दिए, अच्छा एक्सेसरीज कुछ टायर जक वक खोलने के लिए, स्पेयर टायर भी है इसमें अंदर ही। मतलब सिस्टम जो है मारुति ने अच्छा कर दिया हुआ, ये सीट गिराने के लिए ये यहाँ पे ये उठा के इधर से, और ये इधर से आप सीट जो है फोल्ड कर सकते हैं, पार्सल ट्रे निकाल के बूट स्पेस बढ़ जाएगा। स्वीट गेस्चर है मारुति सुजुकी का ये, मतलब बाहर से नहीं पता चलेगा कि आप किसी मिड रेंज वाले वेरिएंट में बैठे हो या कुछ। मैं इसका एक बार ऐसा टोटल घुमा देता हूँ। ये फ्यूल लीड अपना, ये वाला स्टिकर जो है इस पर जच रहा है वाइट पे, ये ब्लैक रेड वाला। और ये देखो भाई साहब ये साइड एडिट यहीं आ जाओ, ये देख लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। बाकी हमारा कोशिश है और अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहे। थैंक यू सो मच।